The title of the topic is IPSec Security Association Database. So, this topic ke objectives. Dekhtein. After completing this topic, a student will be able to describe the working of the Security Association Database of IPSec. This topic, may use jo figures and material. Hain, they have been adapted from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. The author of the book is William Stallings, and the book was published in 2014. जो आई पी सेक का जो फंडामेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ आई पी सेक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाइड टू ईच आई पी पैकेट द ट्रांजिट्स फ्राम ए सोर्स टू द डेस्टिनेशन तो हर पैकेट के ऊपर आपने एक सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई करनी है आपका जो आई पी सेक है इसकी जो पॉलिसी है इट कैन बी डिटर्मिन बाई द इंटरेक्शन ऑफ टू डेटा बेस पहली डेटा बेस का नाम है सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटा बेस सैड और जो दूसरी डेटा बेस है उसका नाम है सिक्योरिटी पॉलिसी डेटा बेस एस तो इस टॉपिक में हम लोग सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस को देखते हैं आई का जो आर्किटेक्चर है इस डायग्राम में दिखाया गया है जो आपकी जो सैड और एस की जो इंटरेक्शन है वो दिखा रहा है तो एस सिक्योरिटी पॉलिसी डेटा बेस ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड आप ये दो एरो देख रहे हैं ये इंटरेक्ट कर रहे हैं इन दो ब्लॉक्स के साथ आई के ई इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन टू और आई पी सेक वर्जन थ्री और आई पी सेक वर्जन थ्री के अंदर आपका सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटा बेस रखा हुआ है अब ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो यही आपका कॉम्पोनेंट यही एंटिटीज़ हैं और यही इंटरेक्शन है अब आई के ई वर्जन टू आई के वी वर्जन टू के साथ की एक्सचेंज करेगा और आई के ई सिक्योरिटी एसोसिएशन यूज़ करेगा जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है आई पी सेक सिक्योरिटी एसोसिएशन का जो पेयर है वो एक्सचेंज होगा और ये यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल एरोज के साथ थ्रू दिखाया गया है फिर फाइनली जो बाई डायरेक्शनल एरो है वो आपका ई एस पी प्रोटेक्ट द डेटा ये आपकी दिखाई गई है सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सिक्योरिटी एसोसिएशन ये क्या होती हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन इज एन एसोसिएशन विच इज़ ए वन वे लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन ए सेंडर एंड ए रिसीवर दैट अफोर्ड द सिक्योरिटी सर्विसज टू द ट्रैफिक कैरीड ऑन इट अगर आपने टू वे लॉजिकल कनेक्शन यूज़ करना है तो टू वे आपके लॉजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश होंगे जो यूनिडायरेक्शन होंगे ईच ऑफ़ दम सो सिक्योरिटी एसोसिएशन इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाई थ्री पैरामीटर्स पहला पैरामीटर है एस पी आई सिक्योरिटी पैरामीटर्स इंडेक्स ये क्या है ये एक थर्टी टू बिट का अनसाइन इंटीज़र है विच इज़ असाइन टू दिस सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड हैविंग लोकल सिग्निफिकेंस ओनली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है लोकल है जो एस पी आई है इज कैरिड इन दथेंटिकेशन एच या इन कैप्सल्यूटिंग सिक्योरिटी जो पेलोड है ई एस पी हेडर उसमें इसको कैरी किया जाता है इसका फ़ायदा क्या होगा आपका जो रिसीविंग साइड पे जो है सिस्टम इट वुड बी एबल टू इट विल अनेबल हिम टू सेलेक्ट द एस ए सिक्योरिटी एसोसिएशन अंडर विच ए रिसीव पैकेट विल बी प्रोसेस तो आपका एस पी आई अलाव करता है कि जो रिसीविंग साइड है वो आपकी जो ऐसे है उसको चूज कर सके आई पी डेस्टिनेशन एड्रेस दिस इज द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन एंड पॉइंट ऑफ द सिक्योरिटी एसोसिएशन विच मे बी एन एंड यूजर सिस्टम or a network system such as a firewall or a router here 3rd field is security protocol identifier this field from the outer ip header indicates whether the association is an ah or an aesp security association now in any ip packet the security association is uniquely determined by the destination address in the ip version 4 or ip version 6 header एंड द एस पी आई विच इज़ इनक्लोज इन द एक्श है ई एस पी अब हम आते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटा बेस की तरफ सैड जो सिक्योरिटी एसोसिएशन इज नॉर्मली डिफाइन बाई द फॉलिंग पैरामीटर्स इन एन एस ए डी एंट्री तो एस ए डी एंट्री के अंदर आपकी जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके साथ उसको डिफाइन किया जाता है तो सिक्योरिटी एसोसिएशन को डिफाइन करने का पहला पैरामीटर है एस पी आई सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स it's a 32-bit value which is selected by the receiving end of an sa to uniquely identify the sa in an sad entry for an outbound sa spi is used to construct the packets ah or esp header so hoga in an sad entry for an inbound sa the spi is used to map the traffic to the appropriate sa तो आउट बाउंड और इन बाउंड में दोनों इन दोनों का जो मतलब होगा वो डिफरेंट होगा फिर हमारे पास जो सेकंड फील्ड है वो है सीक्वेंस नंबर काउंटर की है सीक्वेंस नंबर काउंटर है इज अ थर्टी टू बिट वैल्यू विच इज़ यूज टू जनरेट द सीक्वेंस नंबर फील्ड एंड इन ए एच और ई एस पी हेडज हमारा जो नेक्स्ट फील्ड है वो है सीक्वेंस काउंटर ओवरफ्लो दिस इज द फ्लैग एक्चुअली विच इंडिकेट्स वैदर ओवरफ्लो ऑफ द सीक्वेंस नंबर काउंटर हैज़ अकर्ड और नॉट एंड शुड बी जनरेटेड एन ऑडिटेबल इवेंट and prevent further from ट्रांसमिशन ऑफ द packets ऑन दिस एस फिर हमारा जो नेक्स्ट फील्ड है वो है एंटी रीप्ले विंडो ये जो एंटी रीप्ले विंडो दिस इज़ यूज टू डिटरमिन वेदर एन इन बाउंड ए एच और ई एस पी पैकेट इज ए रीप्ले तो जो रिसीविंग साइड uh, है वो ये इसको यूज करेगा ताकि वो डिटर्मन कर सके कि क्या ये रीप्ले अटैक तो नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड है वो है ए एच इन्फॉर्मेशन की लाइफ टाइम्स

Or terminated, plus an indication of which of these actions should be should occur. Then, we have the IPsec protocol of the mode, can define, can tunnel mode, transport mode, or wildcard. Then the path maximum transmission unit. Any observed path MTU, MTU stands for maximum transmission unit, and what is its definition? Maximum size of a packet that can be transmitted without fragmentation and uh, aging variables. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो आईपी सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस उसकी एंट्रीज सिक्योरिटी एसोसिएशन उसको हमने स्टडी किया है